कबीर ये तुम्हारे। थैंक यू दीदी। करण, काश तुम्हारी तरह कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। यू आर राइट काजल, हम एक फंड रेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। गॉड ब्लेस यू माय सन। बिलीवड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, गॉड ऑलवेज हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माय सन कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। द क्रेडिट गोज टू यू। कन भैया, ये कोई बैग देकर गया है। अच्छा, हाय बेटा, हाउ आर यू। माय गॉड, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फादर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ऑल योर्स। कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 एंड 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी, डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहाँ के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा, मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा जमीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और मिस्टर करण? देखिए, आप वहां गंदगी ढूंढ रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करण। ये झूठ है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं। हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन। ओके ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया?
भैया हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है। मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम। लाइट का मीटर उधर है लेफ्ट में। जी और मिन का उधर। काजल, काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी, वो BSES वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। करण, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, तुम्हारी कोई इंक्वायरी चल रही है? हाँ, इंक्वायरी चल रही है। किस बात की इंक्वायरी? अरे पता होता तो बताता ना। इंक्वायरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।